खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव का आगाज हो चुका है। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वालों की संख्या में अव्वल स्थान हासिल किया है। देश के अन्य राज्यों में भी युवा कांग्रेस का चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में है, जहां करीब 2000 से ज्यादा युवा अलग अलग पदों के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। और इन चुनावों में कांग्रेस के दो बड़े कैंपों की आपसी अदावत भी देखी जा रही है। राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव में प्रचार जारी है, दिग्गज चुनावी समर में है। इस चुनाव को राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कैंप से ताल्लुक रखने वाले युवा नेता प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शुमार हैं। हालांकि युवाओं के गॉडफादर्स ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में 2000 से अधिक युवा विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और महासचिव पदों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन सामने आए हैं। नॉमिनेशन हुए हैं और पहली बार पूरे देश में 2002 नॉमिनेशन करके राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश बना है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि राजस्थान में प्रत्येक युवा चुनाव में भाग ले रहा है और राजस्थान युवा कांग्रेस के जो चुनाव हैं उसमें बहुत जोर शोर से सभी युवाओं ने अपने अपने चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्र को चुना है और हम बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा कांग्रेस के चुनाव पर अध्यक्ष पद पर 29 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। इनमें प्रमुख तौर पर सतबीर चौधरी, यशवीर शूरा, अभिमन्यु पूनिया, सुधींद्र मूंड, राकेश मीना समेत प्रमुख नाम चर्चाओं में हैं। सभी कांग्रेस के दिग्गजों के कैंप से जुड़े हैं। युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री अशोक चांदना की अपनी भूमिका है। राजस्थान के युवा कांग्रेस के चुनाव प्रदेश कांग्रेस के अंदर की सियासत को हिलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव में कौन युवा प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा ये तय होने वाला है, लेकिन 30 दिनों तक चलने वाले इस चुनाव में कई राजनीतिक दावपेच सामने आएंगे और साथ ही वो खेमेबंदी नजर आएगी जो पिछले कुछ सालों से लगातार राजस्थान की कांग्रेस की अंदर की सियासत को प्रभावित कर रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।